हेलो राम राम जी। भारत सरकार की जो अग्निपथ योजना जो चलाई गई है उसको लेकर जगह जगह विरोध का सवर आप देख रहे हैं, और ये विरोध इस योजना के प्रति कितना सही है, आप इसको कैसे किस नज़र से देखते हैं, उनको लेकर कुछ बातें आज इस वीडियो में करेंगे। काफ़ी जो बच्चे थे देश के वो आर्मी की तैयारी काफ़ी सालों से कर रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने ये अग्निपथ अग्निवीर की जो योजना लेकर उनके सपनों पर पानी फेरने का काम किया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में ये विरोध बवाल आप टकराव देख पा रहे हैं इस योजना के लागू करने से। हरियाणा में भी जगह जगह आप विरोध का सवर देख पा रहे हैं, अग्निपथ योजना का सरेआम विरोध किया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर तो जब से ये अनाउंस हुआ है, जब से ये बात चली है, तब से लेकर सुसाइड की भी जो खबरें चल रही हैं वो झूठी हैं या सच्ची हैं। तो आपकी इस योजना के प्रति क्या राय है? लोग ऐसा भी लिख रहे हैं कि ये मंत्री और जो नेता लोग हैं इनके कार्यकाल को भी 2 साल का कर देना चाहिए, और इनकी जो पेंशन है वो भी नए होनी चाहिए, क्योंकि जब बात इनके ऊपर आएगी तो ही कुछ ये देश के नौजवान हैं जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे और उनके लिए कुछ अच्छा लेके आएंगे। इनकी मेरिट और डीमेरिट क्या रहने वाली है हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और क्या कौन से राज्य से हैं आप, क्या आपके राज्य या ज़िले में इस योजना के प्रति विरोध है या नहीं? और ये जो विरोध जगह जगह आप देख रहे हैं वो विरोध जायज कितना जायज है ये भी ज़रूर बताएं। अग्निपथ योजना जो है 4 साल का कार्यकाल रहेगा, 4 साल में वो बंदा कहीं और रिटायरमेंट आके वो जो कार्यकाल पूरा करके और कहीं धक्के खाएगा, तो क्या कहेंगे इस योजना को ज़रूर बताएं।